जो महिलाएं पहले भी माँ बन चुकी हैं, उनके लिए अपने शिशु की हलचल को महसूस करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल पहली बार माँ बन रही महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि उन्हें पहले भी ऐसा फील हो चुका होता है जिसके आधार पर वो ये जान लेती हैं। लेकिन अगर कोई भी महिला पहली बार माँ बन रही है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके शिशु ने हलचल करना स्टार्ट कर दी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आप होने वाले बेबी को कैसे फील कर सकती हैं। आइए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको होने वाले बेबी की हलचल कब से फील होती है। ज्यादातर महिलाएं जो कि पहली बार माँ बन रही होती हैं, 20 हफ्ते तक वो अपने बच्चे की हलचल को महसूस करना स्टार्ट कर देती हैं। 20 हफ्ते का मतलब है 4 महीने 10 दिन के आसपास का समय। इस समय आपको हल्की फुल्की सी हलचल महसूस हो सकती है, लात मारना जैसी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हलचल महसूस नहीं होगी। लेकिन जो महिलाएं पहले भी माँ बन चुकी हैं, वो 18 हफ्ते से पहले भी ये हलचल फील कर सकती हैं। इस समय आपको काफी ध्यान लगाकर हलचल महसूस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे ये हलचल बढ़ने लगेगी। फिर धीरे धीरे आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग हलचल भी फील होने लगेगी, लात मारना हाथ मारना आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा। ऐसे समय में आपको शरीर के अंदरूनी हिस्से में भी कंपन महसूस होगी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी में होने वाले बेबी की हलचल कब फील होगी। अब हम ये जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में बेबी की हलचल कम हो तो क्या करें। आप इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर शिशु की हलचल 24 हफ्ते तक भी आपको समझ में नहीं आ रही है, ये 24 हफ्ते से मतलब है लगभग 5 महीने और 20 दिन, अगर इतने दिनों तक भी आपको हलचल समझ में नहीं आ रही है तो आप डॉक्टर से मिलें। क्योंकि इसमें एक तो ऐसा हो सकता है कि आप उस हलचल को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरा ये हो सकता है कि हलचल ना के बराबर हो रही हो। इसलिए एक बार डॉक्टर से जाकर चेकअप जरूर करा लें ताकि आप ये तसल्ली कर सके कि आपका होने वाला बेबी हेल्दी है। इसके अलावा आपके शिशु की हलचल प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ती जाती है और ये लगभग 7 महीने 15 दिन के आसपास तक काफी अच्छी रहती है। लेकिन 8वें महीने में आते आते पेट में शिशु की हलचल धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके पास जगह की भी कमी पड़ने लगती है और उसके विकास के कारण शिशु के लिए स्पेस कम पड़ने लगता है। इसी की वजह से बेबी की हलचल कम हो जाती है। साथ ही पेट में शिशु अगर हरकत कम कर रहा है तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आपका भोजन न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं है, क्योंकि अगर आपके शिशु को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी कम है, या कह सकते हैं कि आपका बेबी कमजोर है। और अगर आपके जरिए किसी तरह का इन्फेक्शन बच्चे को लग जाता है तो वो उससे बीमार हो सकता है, उससे भी बेबी की हलचल कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लाइफ स्टाइल आपके पेट में शिशु को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपका लाइफ स्टाइल बच्चे के पालन पोषण में आड़े आ रहा है, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में फिर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके किए जाने वाले ऐसे काम की वजह से पेट में आपके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी जीन्स के कारण या शरीर में जरूरी मिनरल्स विटामिन की कमी के कारण बच्चे का दिमाग या शरीर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन इस वजह से भी बच्चे कभी कभी पेट में कम हलचल करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें और अपना चेकअप करवाएं। अब हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बेबी की हलचल को आप कैसे पहचान सकती हैं। जब आप किसी काम में बिजी होती हैं तब भी हो सकता है कि इस तरफ आपका ध्यान ना गया हो और आप शिशु की हलचल को पहचान ना पाई हो, क्योंकि ज्यादातर शिशु प्रेग्नेंट महिला के सोने के दौरान ज्यादा हलचल करते हैं। इसके अलावा तीसरी तिमाही की शुरुआती समय में होने वाला बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इसमें वो 1 घंटे में 16 से 45 बार तक हलचल कर सकता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि आपका शिशु नॉर्मल से ज्यादा हलचल कर रहा है तो ये भी शिशु को किसी तरह की परेशानी का सिग्नल हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें, हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।